हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नया दिन है और नए दिन के साथ एक नया ब्लॉग लेके आ गया हूँ मैं। आज मैं जा रहा हूँ एक डैम में जो कि बेंगलोर से ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर्स अराउंड 42 किलोमीटर्स ही दूर है। डिपेंड्स करता है आप बेंगलोर में कहाँ पे रह रहे हो। अभी मेरे यहाँ से तो 42 दिखा रहा है। सो, शाम के बज रहे 4 और जो लोकेशन है यहाँ से दिखा रहा है लगभग 1.5 घंटा, मतलब 5:30 बजे मैं पहुँच जाऊँगा उधर। देखता हूँ उससे जल्दी अगर पहुँच सकता हूँ तो। वैसे अगर मैं जगह के बारे में बात करूँ तो लास्ट टाइम भी मैं गया था उधर, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ही वेदर ख़राब था। एज यू गाइस नो, जिन लोगों को बेंगलोर के बारे में पता है उनको ये भी पता है कि बेंगलोर का वेदर कैसा रहता है, अनप्रडिक्टेबल सीरियसली। और अनप्रडिक्टेबल से याद आया, पिछले कुछ दिनों से भी बेंगलोर का वेदर बहुत ही अनप्रडिक्टेबल रहा है, क्योंकि लास्ट 2-3 डेज से इतना बारिश हो रहा था। बट आज का दिन देखिए बहुत ही सुहाना है, लगता है बारिश आने भी वाला है, पता नहीं। आई जस्ट होप लास्ट टाइम की तरह भी वेदर ख़राब ना निकले। लास्ट टाइम बहुत ही बुरा सीन हो गया था उधर जाके, इतना बारिश हो रहा था, इससे वही सीन बन रहा है लग रहा है मुझे ऐसा। 37 किलोमीटर्स, 4 किलोमीटर मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है बहुत ही जल्दी। देखो भाई, संडे का यही मज़ा है बेंगलोर पे, क्योंकि आप नॉर्मल डेज पे जब बेंगलोर पे निकलोगे ना, ऐसा खाली वाली रास्ता नहीं मिलने वाला है बॉस आपको। 10 किलोमीटर जाने में आपको लगभग 1 घंटा, अगर आपका लक अच्छा रहा तो, अदरवाइज आपका 1.5 घंटा हो जाएगा। बट अभी संडेज में थोड़ा ये एक्सेप्शनल है, इतना ट्रैफिक मिलना एक्सेप्शनल है आपको। और ये वाला तो रोड हमेशा बिजी रहता है, आप कुछ भी कर लो, संडे मंडे ट्यूसडे कौन सा भी दिन आ जाओ, ये वाला रोड नहीं खाली मिलेगा आपको। हाँ भाई, हाँ आराम से। सो यहाँ से मुझे लेना है स्ट्रीट, या ये शायद विधानसौधा होके निकलेगा। जो रोड दिखाई दे रहा है अभी, मैं भूल गया था लास्ट टाइम जब आया था, अभी इसको एक बार मैप पे चेक कर लेते हैं। हाँ, मैसूर रोड ये करेक्ट है। पर हल्का हल्का बूंदा बूंदी हो रहा है, बट मुझे लगता है ये चला भी जाएगा। अभी रिक्स लेके ही देखना पड़ेगा क्या होता है। वे हल्का फुल्का बारिश आएगा तो ठीक है, अदरवाइज मेरे गोप्रो का भी रिस्क है अभी। ओके, इधर थोड़ा बारिश नहीं है लग रहा है, ठीक है। आसमान तो पूरा क्लियर है, बस ये वाला पोर्शन अगर क्रॉस कर लूँ तो मुझे लगता है मैं डेंजर जोन से बाहर चला जाऊँगा। डेंजर 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 जोन निकाल दो भगवान, शायद निकल गए। यहाँ मैं बच गया इंद्रदेव के प्रकोप से। तो अभी फिर से धूप निकल गया है और मेरे यहाँ से 47 मिनट्स दिखा रहा है 25 किलोमीटर, मतलब पहुँच ही गए बस। और कितना ही है बस, ये ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाता तो 45 मिनट्स भी नहीं लगते। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे रास्ते नज़र आ रहे थे, 3-3 दिखा रहा है। लेट्स सी कौन सा वाला ज़्यादा फास्ट है। दिस वन विल टेक मोर 47, सो
सो आई गेस द फर्स्ट वन इज द लास्ट वन, सो मैं लास्ट वन पे ही जा रहा हूँ। ये देखो बक यार, चलो। सो अभी भी ऑलमोस्ट 41 मिनट्स 22 किलोमीटर्स, चलो चलते हैं। ये होता है बेंगलोर में थोड़ा बारिश देने से। सो बेसिकली ये मैसूर का रास्ता है, मीन्स नेशनल हाईवे, और आप समझ सकते हो नेशनल हाईवे के बीच में पानी, और ये सब स्टोर होके बैठा हुआ है। सो हालत आप समझ सकते हो, बेंगलोर में थोड़ा सा बारिश देने से यही हाल होता है। ये देख सकते हो ऑपोजिट साइड में भी सेम ही हाल है। सो मुझे यहाँ से हाईवे नहीं लेना है, मुझे लेफ्ट लेना है, फिर उसके बाद और 30 मिनट दिखा रहा है, नॉट किलोमीटर्स। मैसूर के टूल गेट पे, यहाँ से मुझे अभी दिखा रहा है स्ट्रेट जाके राइट लेने के लिए, और यहाँ से ज़्यादा नहीं 12 किलोमीटर ही है, मतलब ऑलमोस्ट मैं पहुँच ही गया हूँ। सो नीचे से एक्सप्रेस वे जाता है, मुझे यहाँ से राइट लेना है। ओके ओके ओके, वाह कितना सुंदर दिख रहा है एक्सप्रेस वे ऊपर से, मुझे यहाँ से स्ट्रेट ले जाना है। नीचे से रेलवे लाइंस भी जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम मैं जब गया था, मैं इससे पहले वाले एक रूट से राइट ले लिया था, अभी ये दूसरा रूट ले रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे अभी इतना याद आ रहा है कि यहाँ से होके मैं निकला था। ये वाला रूट भी बहुत ही सुंदर था, बट शाम हो रहा था उस टाइम पे, ऑलमोस्ट रात हो ही चुका था। और आप वेदर देख सकते हो गाइस, कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है वेदर आज। वही स्पेशलिटी थोड़ी देर पहले देखा था आप, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, और अभी देखिए। इसीलिए मैं आने वाला था, सनसेट कितना अच्छा दिख रहा है, पूरा ऑरेंज हो चुका है इस वाला साइड, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ऊपर से और भी अच्छा दिखेगा। अभी और 12 मिनट दिखा रहा है, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा स्टॉप हो गया था, मेरे गोप्रो का कुछ इशू आ गया था। तो गया हूँ, अभी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा वाला रूट है जो व्यू पॉइंट तक जाता है। लेट्स गो, ये है, वाओ सी दिस सुपर्ब, व्हाट ए व्यू। तो मैं यहाँ से निकल के, ये वाला रूट है, नहीं जा सकते। ओके ओके, तो ऊपर लेके नहीं जा सकते बाइक को, इधर ही पार्क करना पड़ेगा कहीं पे। अभी मुझे ट्रैक करके जाना पड़ रहा है, ये वाला रोड थोड़ा और ऊपर है, ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला हूँ।
लुक एट दिस व्यू गाइस। अभी और थोड़ा ऊपर जाना है। कितना अच्छा लोकेशन है, उतना ही अच्छा व्यू है यहाँ से। वो रोड दिख रहा है और ये है मेन डैम। तो बहुत सारे लोग भी है इधर, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ अलग अकेले है। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा और आगे, उधर जाके थोड़ा बैठूंगा और आराम से थोड़ा सनसेट का एंजॉय लूंगा। ओह, जितना ऊपर जा रहा उतना अच्छा व्यू मिल रहा है। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ नीचे, लेट्स सी, मैं नीचे जाने का ट्राई करता हूँ। अगर ज़्यादा रात हो जाए तो मैं निकल जाऊँगा, और एल्स नीचे जाके थोड़ा सा व्यूज़ आपको दिखाता हूँ, देन आई विल गो बैक टू बेंगलोर। आप देख सकते हो यहाँ से ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है। गाइस, रात भी हो चुका है, ऑलमोस्ट सारे लोग निकल रहे हैं और मैं थोड़ा निकल रहा हूँ नीचे। लेट्स सी, नीचे में जाके लोग बोल रहे थे फिश वगैरह भी मिलता है, सो आई एम गोइंग देयर टू फाइंड आउट। ओके, तो ये है मेन गेट नीचे जाने का, जो कि सबको अलाउड नहीं है। लास्ट टाइम हम लोग कुछ रिक्वेस्ट करके नीचे गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसका वीडियो नहीं है मेरे पास। देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं इधर, यहाँ पर फिश खाते हैं। ये देख सकते हो बहुत सारे फिशेस वगैरह है। Which one? All right, तो फिश फ्राई आ चुका है साथ में ऑमलेट, इसको ट्राई करके देखते हैं। देखने से तो बहुत ही, ओह द फूड वाज रियली नाइस। अगर आप लोग आ रहे हो इस जगह लोकेशन पे तो यू मस्ट ट्राई द फिश हियर, बहुत ही अच्छा था। ऑलमोस्ट लाइक मैंने बहुत दिनों से इतना अच्छा फिश नहीं खाया, इधर बहुत अच्छा था, बहुत ही फ्रेश था फिश, स्पेशली वो चटनी। सो ओके, सो फार सो गुड। अभी 7 बज रहे हैं और दिखा रहा है मोर डेढ़ घंटा, मतलब लाइक 8:30 बजे पहुँच जाऊँगा मैं रूम पे। आ चुका है पूरा बारिश, अभी मैं सोच रहा हूँ हम लोग क्या करें, बहुत ही ज़्यादा बारिश दे रहा है। आई गेस शायद मुझे यहाँ पर आसपास में रोकना पड़ेगा कहीं पे। हाँ यार, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो गाइस, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है लाइक लास्ट टाइम, और मेरा बाइक इधर खड़ा है, एज यू गाइस कैन सी, बहुत ही ज़्यादा, मैं भी पूरा भीग चुका हूँ। सो फाइनली गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ बेंगलोर आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। मैं पूरा भीग चुका हूँ, पूरा टॉप टू बॉटम। थैंक गॉड मैंने गोप्रो पहले ही बैग पे रख दिया था एंड फ़ोन ऑल्सो। बाकी मेरा हालत बहुत ही ख़राब है, शायद आज बुखार भी आ ही सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस देख लो तुम्हारा भाई इतना मेहनत कर रहा है, थोड़ा तो हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, जितना चाहे हो सके शेयर करो गाइस। सो ओके, दैट्स इट, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।
मिलते हैं अगले ब्लॉग पर।